ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के, आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी मूवीज की जो कि 30 सितंबर को आने वाली हैं और क्लैश करने वाली हैं। क्लैश, ठीक है, कुछ संबंध के बारे में मत सोचना, क्लैश करने वाली हैं। अब क्लैश किस तरह से करने वाली हैं, क्योंकि दोनों बड़े बजट की मूवी हैं, दूसरा दोनों अपने आप में बेहतरीन है। उसका कारण क्या है, एक बॉलीवुड का बेहतरीन एक्टर है जो कि है ऋतिक रोशन, और दूसरे साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम है विक्रम। दोनों के दोनों अपनी जगह पर सुपरस्टार, और दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ने रिमेक बनाई है तो एक ने बिल्कुल फ्रेश माल। आप सभी को मालूम है फ्रेश माल बनाने में कौन आगे है, सिंपल सी बात है, बॉलीवुड के तो बस की नहीं है। तो भाई साउथ इंडस्ट्री ही बिल्कुल प्योर और साफ सुथरा माल बनाने में माहिर है, तो वही काम कर रही है दोबारा से साउथ इंडस्ट्री, और उन्होंने एक शानदार माल निकाला है जो कि चोला साम्राज्य पर आधारित है। और वहीं विक्रम बेदा जो है वो एक रिमेक है जो कि साउथ में पहले मूवी बन चुकी है, और जिसमें कि मेन रोल में उस मूवी के अंदर दो लोग थे, एक तो अपने आर माधवन और दूसरे अपने विजय सेतुपति। अब उन्हीं को रिप्लेस करके दो लोगों को बनाया गया है बॉलीवुड का शहंशाह, और उनमें कौन कौन है, तो भाई पहले तो ऋतिक रोशन है और दूसरे हैं सैफ अली खान। अब इन दोनों को बना दिया गया है उनके लिए रिमेक का जरिया। अब रिमेक तो आने वाली है, पर क्या जिसने विक्रम बेदा को डायरेक्ट किया था वही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं फिर अलग हैं? तो भाई बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल सेम डायरेक्टर हैं, पुष्कर और गायत्री जी, इन दोनों ने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है जिन्होंने पहली वाली मूवी को डायरेक्ट किया था। तो ये तो एक खुशी की बात हुई, क्योंकि वो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे और जैसा है वैसा ही माल हमें परोस देंगे, जिसकी वजह से थोड़ी मूवी अच्छी हमें लगने वाली है। बाकी बजट की बात करें तो 175 करोड़ का बजट है इसका। भाई साहब रिमेक के बाद भी 175 करोड़ का बजट होना बहुत ज्यादा छोटी बात नहीं है, मतलब इतना बड़ा बजट। तो बड़ा बजट का कारण है बड़े बड़े एक्टर्स लेना, और इसके अंदर काफी ज्यादा फाइट सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं। दूसरा गोली बारी की बहुत ज्यादा इसके अंदर काम दिखाया गया है, और बहुत चीजें फटी हैं भाई, बहुत धमाके हुए हैं, तो वो भी खर्चा कहीं ना कहीं तो आएगा, यहीं से निकाल दिया वो खर्चा भी। बात करते हैं दूसरी तरफ, दूसरा है PS1 पोन्नियिन सेल्वन 1, इसका चैप्टर पहला। अब इसके अंदर जो एक्टर्स हैं, तो भाई देखो सबसे पहले तो हमें विक्रम मिलने वाले हैं, दूसरे हमें जयाम रवि मिलने वाले हैं, और तीसरी सबसे बड़ी एक्ट्रेस हमारे भारत की, हमारे बॉलीवुड की, भाई साहब ऐश्वर्या राय बच्चन मिलने वाली हैं, त्रिशा मिलने वाली है, प्रकाश राज मिलने वाले हैं। तो बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं, और बहुत भव्य भव्य सेट्स लगाए गए हैं। पर लेकिन बहुत लोग अभी भी नाराज हैं। नाराज क्यों हैं, क्योंकि उन्हें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन उन्होंने कर दिया बाहुबली से, RRR से, KGF से, भाई इनसे कंपैरिजन मत करो, वो एक फिक्शन स्टोरीज हैं, पर लेकिन ये एक रियल स्टोरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप रियल स्टोरी को फिक्शन से कंपैरिजन करेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसका कारण है कि वो सारे के सारे में मसाले ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन इस मूवी के अंदर ज्यादा मसाला ऐड नहीं कर सकते। बिना बात की चीजें ऐड करेंगे तो मूवी खराब हो जाएगी। एक किताब पर लिखी मूवी, जिस नॉवल का नाम है, जिस किताब का नाम है पोन्नियिन सेल्वन, जिसे कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने लिखा था और 1955 के अंदर लिखा था। तो यार एक इतनी बड़ी इतिहास की मूवी और इतनी बड़ी किताब जिससे हम एक इतिहास की मूवी बनाने जा रहे हैं, और जो दो पार्ट में बनने वाली है, 500 करोड़ का बजट है, तो भाई मेरा जो कहना है वो सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपको रियल मटेरियल चाहिए या फिर आपको कॉपीड चाहिए, ठीक है? क्योंकि विक्रम बेदा कॉपीड है, मैं मानता हूँ कि बहुत शानदार जाएगी, BGM क्या शानदार है, लेकिन PS1 जो है कम नहीं है, इसे कम मत आंकना। उसका कारण है हमारी हिस्ट्री होना, चोला वंश से संबंधित होना। तीसरा, जिस समय पर नौसेना अपने प्रचंड पर थी, जिस समय पर नौसेना ने अपना जन्म लिया, जिस समय पर नौसेना ने इतने शानदार शानदार काम किए, जिस जमाने में, उस जमाने की मूवी ये लेकर आ रहे हैं, तो यार हमें गर्व होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए कि ऐसी मूवी बन रही है, तो उस मूवी को सपोर्ट करना हमारा ही काम है। इस मूवी को भी सपोर्ट करो विक्रम बेदा को, पर लेकिन PS1 को भी सपोर्ट करना हमारा ही काम है, क्योंकि अगला पार्ट तभी मिलेगा जब पहला पार्ट हिट होगा। इसे हिट कराना हमारा काम, तो थिएटर्स में जाओ, जल्दी जल्दी बुक करो, और भाई साहब इस मूवी को हिट कराने का दायित्व अपने कंधों पर ले लो। दोनों मूवी जो है अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मूवी बेकार है तो दूसरी मूवी अच्छी है, दोनों की दोनों मूवी अच्छी रहनी है, पर लेकिन पहला प्रेफरेंस आप PS1 को देना, और अगर बाद में अगर आपका जाने का मन है तो विक्रम बेदा भी आप जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन मेरा सपोर्ट PS1 को पूरी तरीके से है, और विक्रम बेदा को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा नंबर 1 PS1, ठीक है? तो भाई मैं ऐसे ही शानदार जानकारियां आपको देता रहता हूँ पन्नू मसाला पर, और सभी चीजों के बारे में, जो भी नई चीज पुरानी चीज, वो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है वो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके वहाँ पर पढ़ूंगा और उसका जवाब भी जरूर दूंगा। तो ऐसे ही ऐसे शानदार मसाले पन्नू मसाले पर मैं लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।